जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। फ्रेंड आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीएचएल टीयर फर्स्ट जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो आज वो सेकंड हम एनालाइज़ करने वाले हैं। 10 मार्च के एग्ज़ाम का एनालाइज़ करने वाले हैं। 9 मार्च का मैंने एग्ज़ाम एनालाइज़ कर लिया था, जिसमें हमने बताया था कि किस किस सेक्शन से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो सेम, पर इस बारे का जो पेपर है वो इजी बनाया गया है। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने भी आज के दिन का पेपर अटैम्प्ट किया है, तो उसका अटैम्प्ट का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो वीडियो को आप अंदर देखना, ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके जो अपकमिंग इसके एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है। और जीएस के जो क्वेश्चन हमें पता चले हैं बच्चों के द्वारा, तो मैं वो भी आपके मैंने लगा रखे हैं। सो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक करंट अफेयर्स से क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, तो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखने पर स्किप मत करना, ताकि आपसे कोई भी एक भी इंपॉर्टेंट मिस ना हो जाए, जो अब बच्चे एग्जाम देने जाएंगे तो उनके लिए काफी ये इंपॉर्टेंट होने वाला आज का वीडियो फ्रेंड्स। सो अगर मैं बात करूं फ्रेंड टोटल गुड अटेम्प्ट की, आपकी मैं बात कर लेता हूं, तो गुड अटेम्प्ट में क्या होने वाला है। अभी जो कल मेरा सेशन देखा होगा, तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि 70 से अबव जो भी अटेम्प्ट कर रहा है, लाइक 70 से 80 के बीच में जो अटेम्प्ट कर रहा है कल वाले पेपर में, तो उसके लिए अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है। क्योंकि आज का जो पेपर बनाया गया है वो थोड़ा सा इजी बनाया गया है, तो यहाँ पे आपका जो अटेम्प्ट रहेगा वो 76 से अबव आपका अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। लाइक एक्यूरेसी आपने 90% रखी है अपनी, और 76 से ऊपर का अटेम्प्ट आपने लिया है, 76 से 80 या 85 के बीच में आपने अटेम्प्ट मारा है 90% एक्यूरेसी के साथ, तो यहाँ पे आपके चांस काफी करने के। अगर जनरल एविडेंस की बात करूँ, तो यहाँ पे आपको 19-21 वाले की तरह अटेम्प्ट करना था। इसमें बताऊँ पीछे वाले, हाँ थोड़ी सी लाइक हल्की बनाई गई है, थोड़ी सी मॉडरेट रखी गई है, तो यहाँ पे आपका जो अटेम्प्ट रहेगा 18-20 रहने वाला है। एप्टीट्यूड आपका जो रहेगा 19-21 के बीच में रहने वाला है, और इंग्लिश 20-22 के बीच में। अगर जिस बच्चे ने इस दायरे में अपने भर किया है, तो वो उसका भी अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है। और 85 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया 90% एक्यूरेसी के साथ, सो आप ये पेपर निकालने वाले हैं, ये के लिए ज़्यादा चैलेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। क्योंकि बस थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वो थोड़ी इजी टू मोटिवेट, पेपर को इजी रखा गया है। मतलब क्वांटिटेटिव की बात करो, चाहे इंग्लिश की बात करो, चाहे अंग्रेजी की बात करो, वो पूरा का पूरा पेपर जो है आपका मॉडरेट रखा गया है। सिर्फ जीएस जो है वो थोड़ी सी बनाई गई है, ठीक है। तो आपको एक काम होने ये टाइम जो होगा आपका 80 के आसपास अटेम्प्ट होगा, जिसमें आप अपनी 90% एक्यूरेसी रखेंगे, ठीक है ना। 90% एक्यूरेसी के साथ आप अगर काम कर रहे हैं, तो आप ये पेपर करेंगे, ठीक है। अगर मैं सेक्शन वाइज बात करूँ, कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, लास्ट टाइम भी बताया था। सो टॉप जो इधर सेशन रहे हैं वो सिलोजियम है, सीरीज है, तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, ये सेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही गलती ज़्यादा होती है, थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे आपको अपना फोकस रखना है इन चीज़ों के ऊपर। यहाँ से थोड़ा सा टफ है अटेम्प्ट करना, तो ये सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी नॉर्मल है, एक आधा क्लाइंट क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है, तो ये थोड़ा सा बच्चों को सरप्राइज कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं वो 4-5 ऊपर के टॉपिक है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके इन जगह पे कि ये आपको आपसे बताया, इतनी जल्दी आप रीजनिंग और इंग्लिश को खत्म करेंगे, तो मैथ ज्यादा आपकी 100% की एक्यूरेसी रहती है, तो वो उतने नहीं ज्यादा आप मार्क्स में सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड चीज है आपके लिए इंग्लिश, इंग्लिश नॉर्मल है, वही मैंने बताया था कल, जैसे कि क्लोजिस से वही 5 क्वेश्चन मिले, इडियम्स, फिर इडियम्स हो गया, एनोनिम हो गए, यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो आपके ये परफेक्ट होने चाहिए, परफेक्ट होने चाहिए। 8 और 4 ये 9, 8 और 4 12 सेक्शन होंगे, 14 होंगे, आप 100% नंबर देंगे। अगर ये आते हैं तो आप पूरे के पूरे मिलेंगे, अगर नहीं आते हैं तो ये छूट जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सेक्शन रहेंगे, तो इन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करके यहाँ भी आपके अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये आप परफेक्टली अटेम्प्ट डायरेक्ट से क्वेश्चन हैं, तो अभी ध्यान रखो, कन्वे सिचुएशन से भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो कम से कम 15 से सेक्शन जो ऐसे हैं जो आपने अगर अच्छी तरीके से इंग्लिश का रिवीजन और रटर रखा है, ये लाइक एंटोनिम हो गया, स्पेलिंग्स को थोड़ा सा आपका आया, इडियम फ्रेजेस आपको रटर रखी है, सो ये आपको डायरेक्टली आपको 15-17 नंबर मिल जाएंगे।
बस वगैरह रह जाएंगे, तो उनको आपको थोड़ा सा टाइम देना, उनके थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी ऐसे इंग्लिश के अंदर, इसके अंदर आपको आराम से अपना 17 नंबर, 15-17 नंबर बीच में आराम से खींच लाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फ्रेंड मैथ की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मैथ का, तो इसके अंदर DI से क्वेश्चन, आप नहीं थे इतने क्वेश्चन, पर यहाँ पे 5 क्वेश्चन कंप्लीटली आपका पूरे पूरे सेफ हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा बात है कि DI के 5 पूरे मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको टाइम एंड वर्क बहुत ईजी है, आपको आपका ज्योमेट्री हो गई, एलजेब्रा हो गई, नंबर हो गई, मेंशन हो गई, यहाँ पे आपको थोड़ा टफनेस पड़ेगा क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 10 क्वेश्चन जो है कि लाइक एडवांस से हैं, तो ये एडवांस जो सेक्शन होगा, जिस बच्चे का एडवांस होने वाला ये बाकी बात अभी रहे, जब मालिका जिस के पास ये जो सेक्शन पे कम होगी तो काफी ज्यादा मैं आपको अपना जो भी आप मैथ कर रहे हैं वो 820 को है, मैथ ज्यादा रहे हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, URL पम पूछा गया था से, एक इकोनॉमी से क्वेश्चन, किसी ने ये क्वेश्चन देखते हो सम्मान, फिर क्वेश्चन आ गया ये काफी ज्यादा है। सो ये जो क्वेश्चन काफी ज्यादा लास्ट पेपर में देख लेते हैं यहाँ पे, तो इंडिया है ठीक है। 2022 से भाई बास्केटबॉल किसी क्वेश्चन ने के भारत तो एक इस को नया बता, तो पॉलिटिक्स के पीछे देखने को मिल जाएंगे, देख सकते हो फ्रेंड। एरोमीटर क्या किया जाता है बताना है, इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस वर्ष शुरू की ये क्वेश्चन आप सकते हो फ्रेंड। तो इन क्वेश्चन को आप देख सकते हो, लाइक स्टैटिक GK भी आपको देखने को मिल जाएगी, दो क्वेश्चन पॉलिटिक्स, 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री, और लाइक 3 से 4 क्वेश्चन आपको फेस, 2 से 3 क्वेश्चन साइंस। तो ये कंप्लीट मिक्सचर है, आपको देख सकते हो फ्रेंड। GS पेपर का जो पता है खेल में हर पेपर करंट टीम ने कॉल नहीं किया था, तो ये 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने हैं। सो जो जो प्रिपरेशन कर रहा है CHSL का, उसे ये पता होना चाहिए कि उसको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ये मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। मैथ में आपको ज़्यादा टाइम देना है ताकि जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपका 100% आपको देगा, जो आपको GS के लिए कंपनसेट करने में मदद करेगा। ठीक है, सो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड। इस तरह की वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको टाइम टू टाइम पूरी अपडेट मिलते रहे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, थैंक यू, बाय बाय।